गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ पोहा, या फिर इसे चूरा भी कहते हैं, इसका एक नया रेसिपी जो कि खाने में बहुत चटपटा सा होता है। देखिए क्या करना है। फर्स्ट मैंने ये बादाम ली हूँ, बादाम को मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये आलू का चिप्स है जो कि धूप में सुखा के बनता है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। हाँ, तेल हीट होना चाहिए, आलू का चिप्स आप फ्राई करें उस टाइम में तेल हीट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारा चिप्स सारे कितने भी चिप्स है सबको हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं मूंगफली। मूंगफली को हमें मीडियम आँच पर इसको पकाना है, फ्राई करेंगे इसको मीडियम आँच पे ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरीके से ये हमारा फ्राई हो जाए। आप चाहे तो मूंगफली भून के भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। देखिए मूंगफली भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे भी हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद फ्लेम को हाई हीट करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पोहा यानी चूरा, इसे हीट हाई हीट में करना है, जैसे कि ये डालते के साथ ही देखिए फैल जाएगा। फिर मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए डालते ही किस तरह से ये पूरा फैल गया है। तो ये देखिए इसको भी अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे, और सीधा आप इसे बर्तन में नहीं निकालें, आप इसे किसी नेट पर निकालें, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत होता है। फिर इसका ऑयल नहीं निकालिएगा तो ये सॉफ्ट सा चिपचिपा सा हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी और नेट के बर्तन में या नेट के जार में आप इस तरह से निकाल लें। ये देखिए इस तरह से आपको करते रहना है। देखिए हमारा सारा पोहा फ्राई हो गया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे कुछ मसालों के साथ। चलिए मैं बताती हूँ इसमें मैं क्या क्या डालूँगी। इसमें मैं डालूँगी पहले फ्राई किया हुआ पोहा। ये देखिए सारा सामग्री मेरा हमारा रेडी है। पोहा है, चिप्स है, बादाम है, इसमें तीन तरह की मिक्सचर है, मूंग दाल है, भुजिया है, मिक्सचर है, बादाम है, किशमिश है, चाट मसाला है, जजीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए कितना क्रंची सा है। ये देखिए इसे सारे को हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ के इसे पोहे में डालेंगे, अच्छी तरीके से इसे तोड़ लेंगे। एकदम महीन भी नहीं करना है, इस तरह से आप इसे तोड़िए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली जो कि हमें फ्राई करके रखे हुए हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये सारा सामान जो कि है, मैंने आपको पहले बताया है, आलू भुजिया, मूंग दाल, मिक्सचर, उसके बाद फ्राई किया हुआ ये बादाम। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा किशमिश, ये चाट मसाला, जीजा पाउडर है, काला नमक और लाल मिर्च। इसमें आप चाहें तो कस्तूरी मेथी को भी थोड़ा सा फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ये करी पत्ता को भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, दोनों में कुछ भी आप फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए पूरा हमें अच्छी तरीके से मिला लेना ताकि हमारा मसाला और ये जो भी है सब अच्छी तरीके से मिल जाए। नमक भी हमारा पूरा अच्छे तरीके से हमारा नमक भी कहते हैं पोहे में मिल जाए। ये देखिए इस तरह से आप नाश्ता बना के शाम में चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ या किसी फेस्टिवल पे आप इसे अच्छे से बनाइए। और देखिए पोहा का एक यूनिक सा नाश्ता। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए प्लीज़।